कार के बाद आज ऑफिस में आपका पहला दिन कैसा रहा? बहुत सारे काम थे। बकार अपनी तरह काम करता था, मैं अपने तरीके से काम करता। ऑब्वियसली वकार अपने अंदाजे से काम करता था, लेकिन आप एक्सपीरियंस के साथ काम करते हैं। मगर इंडिपेंडेंट काम करने के लिए मुझे वकार वाले इख्तियार चाहिए। हाँ, वो तो वकार की डेथ के बाद खुद ब खुद आपके हो गए ना। नहीं, ऐसा नहीं है शायस्ता। इसका फैसला बोर्ड के डायरेक्टर्स करते हैं या फिर बोर्ड का हेड। और बोर्ड का हेड कौन है? वकार के बाद बोर्ड की हेड मैरीन है। अगर वो साइन कर देगी तो इख्तियारात खुद ब खुद मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है, आप परेशान मत हो, मेरीन तो वैसी भी ज़हनी मफलूज है, उससे साइन लेना कौन सा मसला है, मैं करवा लूंगी उससे साइन। अच्छा, ऐसी बात है। तो ये लो लेटर इस फाइल में, तुम इसे देखो जब तक मैं अम्मा जान से मिल लेता हूं। लाइए मजान, मैं पैर दबा देता। अरे नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। शाइस्ता बता रही थी कि आज तुम दफ्तर गए थे। जी अम्मा जान, मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। बेटा, वकार के चले जाने के बाद सारी जिम्मेदारी तुम पर ही आ गई है। साहब, आप दुआ करें कि मैं संभाल सकूं। इंशाल्लाह, क्यों नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि तुम बहुत अच्छी तरह संभालोगे सारी चीजें। जाओ, तुम भी थक गए होगे बेटा, जाके आराम करो। जैसा कि आप सबको मालूम है कि वकार साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो इस कंपनी की तमाम तर जिम्मेदारी इदरीस साहब को सौंपी जा रही है। आप लोग प्लीज क्लैप ना करें। ये जिम्मेदारी मैंने खुशी से नहीं ली है, बल्कि मजबूरी से ली है, और मैं चाहता हूं कि ये सारी जिम्मेदारियां मैं आप सबके साथ मिलकर पूरा करूं। सर डोंट वरी, हम आपके साथ हैं। थैंक यू, शुक्रिया। मुझे आप लोगों से यही उम्मीद थी, और आगे भी कदम कदम पे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। मेरा सलमान कहाँ है? यहाँ पे है। मैं यहाँ हूँ। सलमान, क्या मैं यहाँ हूँ। पकड़ा गया। सलमान कहाँ गए? आज तो मेरी महरीन कितनी खुश है। अम्मा जी, मैं तो अपने सलमान के साथ हमेशा खुश रहती हूँ, बस वकार होते। तो वो भी हमें देख के बहुत खुश होते, मगर पता नहीं क्यों जरा सा बीमार हुए वकार और हमें छोड़ के चले गए। मम्मा, मैं बोर हो रहा हूं, चले ना।
हाँ हाँ खेलते हैं ना, चलो। No cheating, close your eyes. ओके, नहीं करती चिटिंग, ये लीजिए, हो गया। सही है, कहाँ पे है? मामा मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। कैसी बदनसीब बच्ची है मेरी, दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा समझ रही। जाने इसकी बच्ची कहाँ होगी, किस हाल में होगी। बैठो। मैंने तुम लोगों को यहाँ बुलाया एक बहुत जरूरी बात करने के लिए। जी अम्मा जान, हुकुम करें। महरीन सलमान को अपना बेटा समझ रही है। वो तो हमेशा से ही समझती है। पहले वो कहती थी कि सलमान मेरा बेटा है, मगर अब हम कहेंगे कि सलमान महरीन का बेटा है। अम्मा जान, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि महरीन को कोई एहसास नहीं दिलाएगा इस बात का कि सलमान उसका बेटा नहीं है। और हाँ, महरीन के सामने वकार और अरीज का कोई जिक्र नहीं करेगा, ये मेरा फैसला है। जी अम्मा जान, जैसा आपको। तुमने भी सुन लिया वसाई? जी जी अम्मा जी, जैसे आपका हुक्म। ये हमारी महरीन की जिंदगी का मामला है। मुझन, वो महरीन की इद्दत का क्या होगा? क्या मतलब है तुम्हारा शाइस्ता? एक महरीन अपने घर में है तो जाहिर है वो इद्दत भी यहीं पूरी करेगी। तुम बेहद करती हो शाइस्ता। वकार अहमद साहब की सारी जायदाद और उनके बिजनेस मिल्कियत के ये कागजात हैं और इसके मुताबिक उनकी तमाम चीज़ों के मालिक अब वकार साहब मरहूम की बेवा महरीन और उनकी बेटी अरीज। ये क्या कह रहे हैं आप वकील साहब? सब कुछ महरीन और अरीज के नाम कर दिया गया है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन ये कागजात वकार साहब मरहूम के कहने पर ही बनाए हैं। और अरीज साहब जानते हैं मैं कंपनी का लीगल एडवाइजर, तो बेगम साहिबा ये मेरे पास अमानत थे, मैं चाहूंगा कि इन्हें आप संभाल। इस उम्र में तो मुझे अपने बेटे की जरूरत थी और मुझे छोड़ के चला गया। सब्र करें अम्मा जान, सब्र करें।